सब गाइस, दिस इज मानवेर। आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट, जो आपको स्मार्ट होम प्रोडक्ट कहते हैं जिनको। ये है सैमसी का एक आइटम, इस ये एक वायरलेस रिमोट, स्मार्ट रिमोट। ये आप अपने ऐप स्टोर से भी यूज़ कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि आप अपने फ़ोन से अपने टीवी, एसी या जो भी इंफ्रारेड डिवाइसेस होते हैं उनको आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, कोई चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। ये एक 1200 रुपये का आइटम है, आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं या किसी भी लोकल डीलर से खरीद सकते हैं। तो आइए इसको खोल के देखते हैं। इसके साथ में मिलता है एक सैमसी की बुकलेट, आप प्ले स्टोर में जा सकते हैं, इसको यहाँ पर डाउनलोड करिए। इसमें अलग एड्रेस बुक, लोकेशन, आपके कहाँ से केबल ऑपरेटर है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है मेनली। इसमें वॉइस एनेबल भी है, अगर आपको फ़ोन से अपनी कमांड देंगे वॉइस से, जैसे आप ओके गूगल जैसे करते हैं। इसमें अपनी ऐप है कि तो आप अपना टीवी का चैनल चेंज कर सकते हैं। आप जैसे बोले कि टाटा स्काई में कौन सा चैनल है वो आप बोल सकते हैं और वो अपने आप चल जाएगा। तो जैसे खोल के देखा, इसके साथ में और कुछ तो नहीं है, मेनली ये डिवाइस है। देखिए ये डिवाइस है, डिवाइस के अंदर सेल हैं, दो डबल सेल लगते हैं। कुछ नहीं करना होता, बस आपको इसको नीचे ऑन ऑफ का बटन है, इसे अगर आप ऑन करेंगे तो इसकी लाइट जल जाएगी, तो आपको पता लग जाएगी कि ऑन है। तो ये इसको फ़ोन से कनेक्ट करके देखते हैं, फिर पता चलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऐप इंस्टॉल कर रखी है, प्ले स्टोर अवेलेबल है, 100,000 लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। दैट मीन्स कि बहुत लोगों ने इसको, इस आइटम को ख़रीदा होगा। तो आइए इसको ओपन करते हैं। जैसे ही मैंने ओपन करा तो यहाँ पे अभी मेरे फ़ोन से कनेक्ट नहीं हुआ, अपने आप इसने सेंस कर लिया। आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा और आपको अपनी लोकेशन भी ऑन करनी पड़ेगी, ताकि ये अपनी एक्यूरेसी देखेगा, उसी हिसाब से कनेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट कर लिया है, अभी मेरा फ़ोन आ गया है। इसमें मैंने अपना टाटा स्काई कर रखा है, मेरे पास हायर का टीवी है, कैरियर का एसी है। एसी मेरे एसी में काम नहीं करता, पर जो स्प्लिट एसी है उनमें काम करता है। और भी आपकी जो डिवाइसेस है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह, उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको मैं चेक करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये इंस्टॉल कर ली मैंने ऐप, तो आइए इसको चला के देखते हैं। गेट स्टार्टेड भी क्लिक करते हैं, लैंग्वेज को भी क्लिक कर लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, नेक्स्ट, इसको स्किप करते हैं, इसको भी बाद में चलाएंगे। तो आई आगे आ गई है ऐप। अब इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है, सिलेक्ट डीटीएच। अब टेलीविज़न में क्लिक करूँगा तो मैन्युफैक्चरर पे जाऊँगा। अब जैसे मैं देखते मेरे पास हायर का टीवी है, मैं इसमें हायर ढूँढूँगा, हायर जी। तो जैसा देख सकते हैं इसमें आ गया रिमोट। अब इसमें चेक करेंगे कनेक्टेड है कि नहीं, इसमें आ गया, देखिए यहाँ पे SMC आ गया, तो समझ लीजिए कि कनेक्टेड है। अब मैं इसी टीवी पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये मैंने वॉल्यूम कम का दम दबाया तो देखिए वॉल्यूम कम हो रही है। ये मेरा डिवाइस है और ये रहा, देखिए वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर मैं म्यूट करना चाहूंगा तो देखिए म्यूट हो गया। तो इसी तरह से आप अपने जो जो टीवी के फीचर्स में ऐड कर सकते हैं, आप टाटा स्काई अपना ऐड कर सकते हैं, कोई भी डीटीएच ऐड कर सकते हैं, अपने एसी भी ऐड कर सकते हैं, जो जो आपके इन्फ्रारेड डिवाइसेस हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों इसमें एक और अच्छा फीचर है, जो है कि वॉइस कंट्रोल का है। अपने अपने इसमें आप इसमें माइक का बटन दबाना है, इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो कमांड देंगे तो वो हो जाएगी, जैसे कि म्यूट टीवी। टर्न ऑफ टीवी। तो देखिए मेरा टीवी बंद हो गया मेरी कमांड से। इसी तरह से आप और भी कमांड दे सकते हैं अपनी वॉइस से, चैनल नंबर भी बता सकते हैं कि चैनल 1 2 3 आ जाए तो वो चैनल आ जाएगा। थैंक यू।